आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा अमृता सिंह को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेताब और मर्द जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के साथ साथ अपनी खूबसूरती और अपने एक्सप्रेशन भरे अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। और यही वजह है कि दर्शक अभिनेत्री अमृता सिंह की हर एक फिल्म को देखना काफी पसंद करते हैं। तो वहीं इनकी बेटी सारा अली खान भी अपनी मम्मी की सभी फिल्मों को देखना काफी पसंद करती है, पर चार फिल्मों को छोड़कर। जी हां, अमृता सिंह के चार ऐसी फिल्में हैं जिन्हें उनकी बेटी सारा अली खान देखना पसंद नहीं करती है। तो आखिरकार अमृता सिंह की वो चार फिल्में कौन सी हैं जो इनकी बेटी सारा अली खान देखना पसंद नहीं करती हैं? आइए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, अ फ्लाइंग जट। इस फिल्म के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है फिल्म अ फ्लाइंग जट का, जो कि साल 2016 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस जैसे कई दमदार कलाकार एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। और इस फिल्म में सभी की एक्टिंग काफी अच्छी थी, पर इसके बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हो गई, जिसकी वजह से इनकी बेटी सारा अली खान इनकी इस फिल्म अ फ्लाइंग जट को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इनकी मम्मी की एक भी फिल्म फ्लॉप साबित हो। नंबर टू, क्रोध। साल 1990 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म क्रोध तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ अभिनेता सनी देओल और अभिनेता संजय दत्त जैसे कई दमदार कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, पर इसके बावजूद भी इनकी बेटी सारा अली खान इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता सिंह को चोट लग गई थी और सारा अली खान इसी वजह से अपनी मम्मी की फिल्म क्रोध को देखना पसंद नहीं करती है। नंबर थ्री, औरंगजेब। अब बात करते हैं फिल्म औरंगजेब के बारे में, जिसमें अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ अभिनेता अर्जुन कपूर, ऋषि कपूर और अभिनेत्री जारा खान जैसे कई दमदार कलाकार इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, पर इसके बावजूद भी अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी सारा अली खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और इनकी मम्मी का किरदार तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और यही वजह है कि सारा अली खान अपनी मम्मी की फिल्म औरंगजेब को देखना पसंद नहीं करती है। नंबर फोर, कजरारे। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं अमृता सिंह के फिल्म कजरारे के बारे में, जो कि साल 2010 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म में अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ अभिनेता हिमेश रेशमिया और गुलशन ग्रोवर जैसे दमदार कलाकार इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए थे, पर इसके बावजूद भी अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान इनकी फिल्म कजरारे को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म में अमृता सिंह काफी ज्यादा बदतमीज होती है और किसी से तमीज से बात नहीं करती है, जबकि असल जिंदगी में अमृता सिंह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि सारा अली खान अपनी मम्मी को इस तरीके से किसी से बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देख सकती, जिसकी वजह से सारा अली खान अपनी मम्मी की फिल्म कजरारे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, अमृता सिंह की इन चार फिल्मों में से आपको इनकी कौन से फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।